आज की मेरी रेसिपी है आई एंड यू फूडी पर कैरेमल पुडिंग, जो कि बहुत ही सिंपल स्टेप में बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर जूसर जार ले लिया है। जूसर जार में मैं यहाँ पर 10 स्लाइसेस ब्रेड ऐड करूँगी, 4 टेबलस्पून शुगर, 2 एग्स। अगर आप 4 to 5 लोगों के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ 5 स्लाइसेस ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 1/2 लीटर मिल्क और 1 एग, इसका हाफ पोर्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं फिर से 5 स्लाइसेस ब्रेड इसमें ऐड करूँगी। फोर ड्रॉप वेनिला एसेंस, 1 लीटर मिल्क, इन सभी को हम मिक्सर में पीस लेंगे। इसका मिक्सचर हम तैयार कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर कैरेमल सॉस बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने 1 कप शुगर लिया है। 1 कप शुगर को हम मेल्ट करेंगे। मेल्ट कर कैरेमल सॉस इसका तैयार करेंगे। तो हमारा शुगर मेल्ट होना शुरू हो गया है और शुगर हमारा कैरेमलाइज भी हो रहा है। आप लो फ्लेम पे ही इसको बनाइए। मैं आपको यहाँ पर टिप दूंगी, आप जब भी कैरेमल सॉस बना रहे हो तो देख के बनाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होता है तो इसको टच मत कीजिए, वरना आपके हाथ भी जल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा शुगर कैरामलाइज हो गया है। आहिस्ता आहिस्ता से देखिए, तो एक कम्प्लीटली कैरामल सॉस हमारा यहाँ पर बनकर तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे और पूरी तरीके से कैरामल को इसमें कवर कर देंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट कीजिए कि मेरी रेसिपीज आपको कैसी लगती हैं। तो हम पूरी तरीके से इसको कवर कर लेंगे। कवर करने के बाद हम इसमें पुडिंग मिक्सचर ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पर पुडिंग मिक्सचर ऐड करूँगी। मैं हाफ ही इसमें ऐड करूँगी, पूरा मिक्सचर हम नहीं ऐड करेंगे, हाफ तक ही इसको कवर करेंगे और इसको हम कुक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इडली मेकर ले लिया है। अगर आप चाहें तो किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 3 ग्लास वाटर इसमें ऐड किया है और इसको बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के बाद जो हमारा मिक्सचर है उसके टॉप पर हम इसको रख देंगे। रखने के बाद हम 10 मिनट्स तक लिड कवर कर इसको कुक करेंगे। तो 10 मिनट्स हो गए हैं, हम अपने पुडिंग को चेक करेंगे नाइफ़ की मदद से। ये कुक हो गया है। अगर ये चिपक गया तो इसका मतलब है ये नहीं कुक हुआ, आपको और थोड़ी देर कुक करना होगा। तो अब हम यहाँ पर एक प्लेट में इसको टर्न कर लेंगे। तो हम पुडिंग को प्लेट में टर्न कर लेंगे और आप इसको रेफ्रिजरेटर में 2 आवर्स के लिए कूल होने तक रख दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।